पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व नगर विधानसभा प्रत्याशी रहे विकास जैन को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में सदस्य नामित किया गया है। पिछले वर्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष राजू कालरा नामित थे। लगभग 3 माह पूर्व महेंद्र गुप्ता का कोरोना से निधन होने के कारण प्राधिकरण में सदस्य का पद रिक्त चल रहा था। 23 जुलाई को आवास और शहरी नियोजन अनुभाग के विशेष सचिव रणविजय सिंह के द्वारा जारी पत्र में मुरादाबाद के विकास जैन को MDA सदस्य नामित किया गया। इस दौरान विकास जैन से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि महानगर के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ समाधान उनका कराना उनका पहला कर्तव्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तक नहीं पहुँच पाते हैं उनकी हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। शासन द्वारा जनहित में किए जा रहे सारे कार्यों को सुगमता से जनता तक पहुंचाएं, हमारी सारी योजनाएं जनता तक सुगमता से पहुंचें, जनता को उनका लाभ मिले। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अंदर भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिलीवर नहीं हो पा रही हैं उनको जनता तक पहुंचवाया जाए, उनको जनता तक सीधा लाभ दिलवाया जाए। बोर्ड के सदस्य के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि जो निम्न आय वर्ग के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं वो समस्त पात्र व्यक्तियों को मिल जाएं। MDA के बहुत सारे मकान बने खड़े हैं जो अभी आवंटित नहीं हो पा रहे हैं, उनका आवंटन हो जाए। इस मुरादाबाद शहर का जो विकास है वो विद प्लान नहीं है। इस शहर के अंदर में शहर को लोगों ने कभी छोटे छोटे लोगों ने डेवलप किया है, अवैध कॉलोनियाँ कह लें उन्हें, अनियमित कॉलोनियाँ कह लें, या ग्रामीण क्षेत्र से आए गए जो लोग आए थे आते हैं उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट सस्ते लेके मकान बना लिए, तो ये शहर एक भद्य स्वरूप में दिखता है। इसके अंदर में वो सारी चीज़ें नियमित हो जाएँ, आगे कॉलोनियाँ व्यवस्थित कटें, सारी कॉलोनियों के अंदर रास्तों की, पेयजल की, बिजली की सुविधाएँ हो जाएँ, इन सारी दिशाओं में कार्य हों, सारी योजनाएं जनता के हित में हों। इस शहर के अंदर में मात्र ये ऐसा शहर नहीं है जहां सिर्फ लोग रहते हों, ये शहर ऐसा है जिसके अंदर में बहुत पुराने उद्योग भी है। ये मुरादाबाद शहर कॉटेज इंडस्ट्री बेस है। यहां शहर के अंदर अगर 50,000 घर हैं तो उनमें से कम 35,000 घरों के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री चलती है। यहाँ घर घर के अंदर बर्तन बनाने का उद्योग चलता है और ये उद्योग भी कहीं ना कहीं सामान्य नगर को व्यवस्थित करने में दिक्कत पैदा करता है। कारण क्या है कि जो ये ब्रास या मेटल से संबंधित कॉटेज इंडस्ट्री है इसमें से प्रदूषण भी निकलता है, इसमें से वायु प्रदूषण भी है, इसमें से जल प्रदूषण भी है, इसके अंदर से जो है इन प्रदूषणों के साथ में इस शहर के अंदर में यहाँ का जनजीवन जो है वो उनसे प्रभावित होता है, आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माननीय योगीनाथ जी का स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि शहर जो है ये स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो। इसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी आवश्यक है कि हम इस शहर को, इसके वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करें। इसके लिए जो ये शहर के अंदर कारखाने चल रहे हैं इन्हें शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए और ताकि शहर प्रदूषण से मुक्त हो सके। कॉटेज इंडस्ट्री बेस इस महानगर से कारखानों को बाहर निकालने का काम कठिन है, लेकिन हमें आशा है कि ये कार्य होगा व्यवस्थित रूप से प्लान करके। बाहरी क्षेत्रों में जो है ये कारखाने शिफ्ट कर दिए जाएंगे और शहर प्रदूषण में अच्छे सामान्य नागरिक के लिए अच्छे वातावरण वाला सुंदर बनेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। कुछ महानगर की जनता से अपील करना चाहेंगे कि मुरादाबाद की जो MDA को लेकर कोई सी अगर समस्याएं उनके सामने आती हैं तो वो आपसे भी। महानगर के किसी भी नागरिक को यदि MDA से कोई समस्या है तो वो हमें बताए। हमें प्रदेश सरकार ने इसलिए नामित किया है कि जनता की यदि कोई समस्या है वो सीधे जाके अफसर उसे नहीं कह पाती है, वो सीधे जाके अपनी बात को नहीं बता पाती है, तो वो हमें बताएं, हम बिल्कुल उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जनता के बीच से हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।